नाज़रीन, मैं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ मेरे पास एक बड़ी यूनिक सी कहानी है। सुन के यकीन तो नहीं आ कि एक MBBS FCPI डॉक्टर लड़की ने जो है दर्जी से मोहब्बत की, जो है वो शादी की है। ये इनके पास कपड़े सीने जाती थी और कपड़े सीते सीते नाप देते थे, इनको इनसे मोहब्बत हो गई, फिर आगे मोहब्बत शादी में बदल गई। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। आपका नाम क्या जी? शेख असद। आप क्या करते हैं? मैं दर्जी हूँ। और यहाँ पिंडी में ही? जी बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमना है। आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। क्या डॉक्टर क्या करती हैं? MBBS मेरा क्लिनिक है, मैं वो रन कर रही हूँ। अच्छा, आपका क्लिनिक है। ओके, माशाल्लाह। चले मुझे ये बताएं कि आपको इनसे एक दर्जी से एक डॉक्टर, ये बात सोच के लगता है ये असल नहीं है, लेकिन कैसे मोहब्बत की शादी हुई? बस कहते हैं ना, दिल आने पे आता है तो किसी पर भी आ जाता है। बस इसी तरह, मतलब आपको पता है ख्वातीनों को तो वैसे कपड़ों का बहुत शौक होता है, इसी तरह मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। और आपको देख के भी लगता होगा कि वाकई में मतलब लड़कियों के क्रेज़ होता है। मैं बहुत शौक से कपड़े सिलवाती थी, लेती थी और इनके पास ही जाती थी हमेशा स्टिचिंग करवाने के लिए। बस ये अच्छे लगते थे मुझे, ये इनकी सादगी अच्छी थी, बहुत अच्छे कपड़े बहुत सीते थे अच्छे। फिर इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर मैं कभी हाइपर भी होती थी ना, तो ये बहुत कूल माइंड रहते थे। जैसे कि आपको पता है कि टेलर्स होते हैं, इनको आप कहें ना कि ये आपने सही नहीं किया तो आगे से आर्गुमेंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये मेरी बात हमेशा खामोशी से सुनते थे। और जो मैं कहती थी वो मतलब ये सही नहीं, तो फ़ौरन से कहते थे ठीक है मैं आपको ठीक कर दूँगा। आपकी सहेलियाँ जो कि वो भी MBBS डॉक्टर होंगी, और वो भी, उनको भी आप कहती थी कि आपके कपड़ों का शौक है, और कपड़ों का शौक उनको भी पता है? जी बिल्कुल, सबको पता है, पूरी फैमिली को पता है कि मुझे बहुत शौक है कपड़ों का। मैं बहुत मतलब क्रेज़ है मुझे, एक हद तक क्रेज़। तो आप इनको दर्जी कहती हैं या रफूगर? इनको मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहती, अब तो मेरे मुजाजी खुदा हैं, अब तो मैं इनको ऐसा कुछ भी नहीं कहती। मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब पहले भी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल थी इनकी, मेरे दिल में इनकी जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। अच्छा, पहले आप ये बताएं कि जब ये आती थी आपको भी अच्छी लगती थी? जी बिल्कुल। क्यों, दर्जियों के दिल नहीं होते? आप लोग क्या कहते हैं, दर्जियों के दिल भी होते हैं, दर्जियों की मशीनें भी होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दिल भी होते हैं। आती भी लड़कियाँ हैं दर्जियों के पास, आती भी लड़कियाँ हैं। अच्छा, और वो भी डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने है। क्यों, डॉक्टर ने कपड़े नहीं सिलवाने होते? सही बात है नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। ये कह रहे हैं क्यों दर्जियों के दिल नहीं होते? मैं कहता हूँ दर्जियों के दिल भी होते हैं, दिमाग भी होते हैं, और गुर्दे भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आप जो है, आपने जाहिर है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब लव मैरिज और फैमिली, आपकी डॉक्टर एक दर्जी, आपके फैमिली वालों ने बातें की, रिश्तेदारों ने की होंगी? जी बहुत ज़्यादा, जाहिर है आपको पता है जब आप एक फैमिली में से बिलोंग करते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल आए, बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़नी। लेकिन जब आपको नसीब कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने लिखा होता है और जोड़ियाँ आसमान पर बनी हैं, जब आपका रिश्ता होना है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और बस मेरा नसीब मिलना था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो है, मुझे ये बताएं, आप जब, आपने इनसे इजहार पहले किया या इन्होंने आपसे किया? मैंने किया। कैसे? मतलब ये कि जिस तरह आपको पता है साइज आप देते हैं, तो मैंने इसी तरह पेपर पे लिख के मतलब इनको दे दिया था, कपड़ों में डाल के। जी कपड़ों में डाल के दिया था। और मैंने सुना वो कपड़े आज आपने वही पहने? जी ये मेरे वही ड्रेस है, इनके हाथों का स्टिच हुआ हुआ, जी मैंने वही पहना हुआ है। जी मैंने सिया हुआ है। तो जब इन्होंने आपको, आपने क्या लिख के भेजा था? अब ये तो बहुत मुश्किल है, आई लव यू। अच्छा, तो आपने जवाबन क्या लिखा या फिर क्या किया? मैंने इनको एक सूट गिफ्ट किया था, उसके साथ एक हार्ट बना हुआ दिल था, किसी और का तो सीधे सीधे गिफ्ट, इन्हीं के लिए स्पेशल बनाया था मैंने। और मैंने सारी रात लगा के वो बनाया था इनके लिए स्पेशल, और मैंने उसके साथ एक हार्ट, एक दिल मैंने गिफ्ट दिया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू टू, आई लव यू टू, वो मैंने इनको दिया था। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं यकीन करें मैं इस टाइम इस्लामाबाद में बैठूंगी। इस्लामाबाद ही है ना? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद के IJP रोड के करीब। जी जी बिल्कुल, IJP रोड। तो यहाँ पे बैठा हूँ और इनकी स्टोरी जब मुझे पता चली बड़ी इंटरेस्टिंग, एक डॉक्टर कपड़े मतलब नाप नाप कपड़ों में मोहब्बत, और वो भी डॉक्टर से। मतलब आपने, आपके तो वारे न्यारे हुए सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, जब से आई हैं और मेरा काम अच्छा हो गया माशाल्लाह से, और काफी अच्छा काम चल रहा है। सुना अब आपने पूरा ब्रांड बनाया हुआ? जी बिल्कुल, ब्रांड ही बनाया हुआ है, और यही मेरी ब्रांड एम्बेसडर है जो सामने बैठी हुई है। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा माशाल्लाह, डॉक्टर साहब खुद ब्रांड एम्बेसडर भी इन्होंने रखा। तो मुझे ये बताएं, मोहब्बत के लिए पैसा, ओहदे, उसके अलावा लालच ज़रूरी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मोहब्बत के लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जब आपको प्यार होता है ना, तो बस कहते हैं ना किसी चीज़ से भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो आपको उसी के साथ प्यार हो सकता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, दौलत पैसा मेरी नज़र में बिल्कुल मायने नहीं रखता, सिर्फ इंसान अच्छा होना चाहिए जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। आप खुश हैं? अगर ये बीमार होते हैं, सर दर्द होता है, तो अब इलाज भी जल्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। इनसे पूछे, मैं बहुत केयरिंग हूँ, बहुत केयरिंग वाइफ हूँ, बहुत ज़्यादा।
था। अच्छा, तो कह रहे हैं ये लाइफ में आई है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इतना ज्यादा बीमार हुआ हूँ। अच्छा, बिल्कुल, इनको देख के मेरी बीमारी दूर हो जाती है, कोई भी ऐसे सर दर्द। क्या बात है, क्या बात है। तो वैसे मुझे लगता नहीं है आपने इनको बदले में एनाटॉमी या कोई इसी तरह की चीज सुनानी है। तो एक दूसरे को कभी सॉन्ग भी डेडिकेट किया आपने? नहीं, वैसे ये नहीं है, चीजें हमारे अंदर नहीं है। नहीं है कभी भी। कोई दवाई डेडिकेट की हो? हाँ, वो तो हम करते रहते हैं। पेनाडोल, पेनाडोल पोस्टन फोर्ट, मुझे तुमसे पेनाडोल हो गई। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, ये तो होता रहता है। इनका मैंने घर में निक नेम भी मैंने ये लिखा हुआ है, पेनाडोल। अच्छा, इनका नाम भी पेनाडोल? पेनाडोल, लेकिन मैं घर में इनको डोल डोल कहता हूँ। अच्छा, आपने इनका नाम भी पेनाडोल रखा? बिल्कुल, डॉल डॉल से पेनाडोल। बिल्कुल, निक नेम मैंने इनको डॉल रखा। तो आपने इनका नाम डिस्प्रिन तो नहीं रखा? नहीं, डिस्प्रिन नहीं रखा हुआ मैंने इनको। मतलब वैसे मेरे बहन वैसे कोई नाम नहीं देती डिस्प्रिन, पेनाडोल। वैसे अक्सर जरूरत पड़ती है तो पॉन्स्टन जरूर इनको मैं कहती हूँ, इनको पॉन्स्टन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इनको मतलब पॉन्स्टन, लेकिन जब डॉल होती है समझे तो मैं पॉन्स्टन देता, पेनाडोल। तो आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है आमना असद प्रैंक। व्लॉग्स भी मैं बनाती हूँ और प्रैंक्स भी हम बनाते हैं। दो बेसिकली हमारे चैनल्स हैं जिसमें हम व्लॉग्स और प्रैंक्स बनाते हैं। तो आप लोग चाहें तो प्रैंक्स मतलब देख सकते हैं, बहुत फनी वीडियोस होती हैं हमारी, मतलब बाउंडिंग लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कपल वीडियोस हम लोग बनाते हैं, इंटरटेन करते हैं लोगों को, और माशाल्लाह लोग हमारे मतलब कपल के तौर पर लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों का जोड़ी मशहूर और ज़्यादा होने वाली है। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, बुरी नज़र से बचाए। और आपने ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, यूट्यूब पर भी जाती है कि जिंदगी में आप डॉक्टर हैं, शायद लोग कमेंट करें डॉक्टर हो किसने, इससे शादी कर ली, दर्जी से कर ली, शायद करें। हमारे माशरे में ये भाई इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैटर, मतलब लोग करते हैं, डॉक्टर है इसकी डॉक्टर के साथ शादी है, और ये इंजीनियर है तो इसके साथ कोई हाई लेवल का बंदा होना चाहिए। ये चीज़ें मायने नहीं रखती, मेरा ख्याल है इंसान अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें कब्र तो सबकी बराबर ही है। बिल्कुल, कब्र सबकी बराबर है और सब एक तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। या तो होना कि हमने किसी ने अच्छी कब्र में जाना और किसी ने बुरी कब्र में, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब इंसान एक जैसे होते हैं। ये हमारी अपनी सोच का ख्याल, अपनी सोच का ख्याल होता है। मुझे इनका जो है कमेंट में मैंने लिंक पिन किया इनके चैनल पे, वहाँ जाके इनकी लाइफ के बारे में भी देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी फिर मुझे लगी कि एक डॉक्टर हो के एक दर्जी से शादी करना, मेरे लिए तो शायद ये ओके है, मैंने ऐसी और भी स्टोरीज़ की हैं, लेकिन लोगों के लिए जो इस दुनिया को देखते हैं, जो ओहदे देखते हैं, उनके लिए बड़ी डिफरेंट होगी। लेकिन ओहदे, पैसा, लालच मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो क्या, दिल मैटर करता है, और दिल से ही अच्छा होना ज़रूरी। फ़िलहाल मुझे डॉक्टर साहबा और दर्जी साहब को इजाज़त दें, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। खुदा हाफिज़। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बरवक्त मिल सकें। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बरवक्त मिल सकें।